आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, आपके आने वाले जो भी एग्जाम हैं, हर एक एग्जाम के लिए रामबाण होगा साथियों। साथियों आपका जो भी आने वाला एग्जाम है, यूपीपी पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, आरओ एआरओ हो, या हम कह सकते हैं यूपी पीसीएस हो साथियों, सभी के लिए रामबाण होगा साथियों। यूपी स्पेशल का आज हमारा एक ऐसा बेहतरीन टॉपिक है जो जनगणना, जनसंख्या, नगरीकरण इन संबंधित सवालों से है, और ये ऐसा टॉपिक है कि हर ये तीनों जो एग्जाम होते हैं, या हम कह लें यूपी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं, उनका ये क्वेश्चन सेम ही होता है। मैंने तो मिला लिया है, अगर आपको हमारी बातों का यकीन न हो तो आप इन तीनों एग्जाम का प्रश्न निकाल लेना और देख लेना, हर एक एग्जाम में यही सवाल लगभग पूछे गए हैं, क्योंकि ये आंकड़े से होता है, ये आंकड़े बदलेंगे नहीं, हर एक एग्जाम में ये आंकड़े वही रहेंगे। तो साथियों बहुत बेहतरीन होगा, 2011 की जनगणना के आधार पर सारा डाटा है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको जनगणना, जनसंख्या, नगरीकरण इन संबंधित सवालों से एक भी सवाल नहीं छूटेगा साथियों, बहुत बेहतरीन सवाल है, एक से बढ़कर एक है। तो साथियों आपका आने वाला एग्जाम उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ या यूपी पीसीएस सबके लिए रामबाण है, आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिए। पहले देखिए क्या कह रहा है, पहले वाले प्रश्न में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में आप लोग देखेंगे, यूपी का जब मैप देखेंगे तो नेपाल से सटा हुआ आपको एक मैप दिखाई देगा, मतलब जिला दिखाई देगा नेपाल से सटा हुआ, लखीमपुर खीरी, इसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सबसे बड़ा है। तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा उत्तर, उत्तर प्रदेश का अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। अगर यही आपसे पूछ ले साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला बताइए, तो सबसे छोटा जिला आप कौन बताएंगे, हापुड़ बताएंगे, कौन सा, हापुड़, आप पश्चिमी यूपी है में है ये हापुड़, गाजियाबाद से सटा हुआ है, तो वहां है ये। तो दोनों चीजों को याद रखिएगा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा दोनों में पूछ सकता है, ये क्षेत्रफल के मामले में है। कभी आपसे जनसंख्या के मामले में पूछ ले तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज हो जाएगा। तो उन दोनों चीजों को याद रखिए, किस मामले में सबसे बड़ा पूछ रहा है, क्षेत्रफल के मामले में या जनसंख्या के मामले में। आगे चले हम लोग देखते हैं दूसरे वाले प्रश्न में साथियों, दूसरा वाला प्रश्न में हमसे ये पूछ रहा है, बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप यहां से बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे साथियों। देखें क्या पूछ रहा है आपसे दूसरे वाले में, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में यानी प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो साथियों यहां पर बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है, नहीं तो आप यहां क्वेश्चन अलग अलग टाइप से बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो यहां अगर आपसे पहले साक्षरता पूछ ले कहीं, साक्षरता क्या होती है साथियों, तो 7 साल या उससे ऊपर के वे लोग जो किसी भाषा को पढ़ने लिखने में सक्षम हैं, तो उससे जो है हम लोग साक्षर कहते हैं, 7 वर्ष लिया जाता है, इस 7 को याद रखिएगा, तो 7 वर्ष के ऊपर लिया जाता है। तो यहां पर जो पुरुष साक्षरता की बात कर रहा है, पुरुष साक्षरता उत्तर प्रदेश में 77.3 है, ये हो गया पुरुष साक्षरता। अगर आपसे महिला साक्षरता पूछे साथियों, महिला साक्षरता बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में कितना है, तो इससे 20 कम हो जाइएगा, वो महिला साक्षरता हो जाएगी 57.2 हो जाएगा, ये महिला साक्षरता हो गई। अब बात आई है अगर आपसे औसत साक्षरता पूछ ले, ज्यादातर औसत साक्षरता ही पूछा जाता है, औसत साक्षरता को या तो ऐसे पूछ सकता है औसत साक्षरता बताइए, या केवल साक्षरता नाम दे देगा, केवल साक्षरता नाम दे देगा, तो उसका मतलब भी औसत साक्षरता ही होता है, तो वो हो जाएगा 67 हो जाएगा, 67.7 हो जाएगा। तो यहाँ एक चीज आप लोगों ने देखा होगा, सब में 7-7 है, पुरुष साक्षरता 77, उससे 20 कम महिला साक्षरता 57, फिर महिला साक्षरता से 10 ज्यादा, ये हो गया हमारा 67, ये औसत साक्षरता। तो बहुत बढ़िया, इन तीनों बातों को याद रखिएगा आप। आगे देखते हैं हम लोग साथियों, तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न साथियों हमारा देखें बहुत बेहतरीन कह रहा है तीसरे वाले में कि जनगणना 2011 के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक साक्षर है। यहाँ 4 धर्मों के नाम दिया गया है साथियों, बौद्ध, ईसाई, जैन, सिख, इन 4 धर्मों में 2011 के जनगणना में सबसे ज्यादा साक्षर कौन है।
तो साथियों आप लोग को मालूम होगा 2001 की जनगणना में भी जैन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे जैन समुदाय। 2011 का डाटा आया तो उसमें भी जैन समुदाय सबसे आगे निकले, तो विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा, जैन। वैसे भी देखते होंगे जहां भी जैन आप लोग देखते होंगे आपको अमीर ही दिखेंगे, गरीब आपको नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे हैं कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा, सबसे ज्यादा साक्षर जैन है। आगे देखते हैं साथियों, अगर सबसे कम पूछे जनसंख्या के मामले में, तब आप यहाँ पर ऐसा भी पूछता है कई बार जनसंख्या में सबसे कम कौन सा धर्म है, तो यहाँ पर बौद्ध है। आगे चले हम लोग देखते हैं, देखें चौथा में हमसे क्या पूछ रहा है साथियों, बहुत बढ़िया, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस तरह से आप 5-6 प्रकार के सवालों को हल कर लेंगे। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में यानी उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितना है। यहाँ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो अभाव की बहुत सारे सवालों को हल कर ले जाएंगे। तो शिशु लिंगानुपात, पहले लिंगानुपात क्या होता है, लिंगानुपात का मतलब ये होता है 1000 पुरुष पर 1000 मेल पर फीमेल की संख्या, तो जो फीमेल कितनी है उनकी संख्या को हम लोग जो है लिंगानुपात बोलते हैं। अगर आपसे पूछे, जैसे अभी आपको मैं बताऊं उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात, अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है, तो 912 है। तो 912 का मतलब ये लड़कियों की संख्या है, इसका मतलब ये होता है शिशु लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में 912 है, इसका मतलब ये है कि 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं, इसका मतलब ये हो गया। इसको याद कर लीजिए आप, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, लेकिन आपको यहाँ शिशु लिंगानुपात पूछ लिया। शिशु लिंगानुपात का मतलब आप लोग जानते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो वहां मेल फीमेल की संख्या कुछ और होती, जैसे जैसे बढ़ते हैं तो वहां पर कुछ और होती जाती है। इसका जो हमारा उत्तर होगा 902 विकल्प नंबर बी हो जाएगा, शिशु लिंगानुपात 902 है। अगर आपसे केवल लिंगानुपात पूछे, इसका मतलब वो मेल फीमेल की बात कर रहा है, 6 वर्ष से बड़ों की बात कर रहा है, तो 912 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं साथियों, हम थोड़ा सा समय लेंगे लेकिन आप कभी भूलेंगे नहीं वो चीजों को, मैं आपको एक एक विकल्प को हल करा दूंगा, तो जिसे आप कई सारे प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे। तो देखो यहाँ, यहाँ हमसे पूछा है साथियों, देखें क्या पूछा है पांचवें में, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में यानी उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है। तो साथियों 2011 की जो जनगणना हुई थी, लगभग 20 करोड़ उत्तर प्रदेश की आबादी थी। तो आप लोग अगर मोटी मोटा थोड़ा दिमाग लगाएं, आपको कुछ नहीं आता, सिर्फ आपको मोटा मोटा यहाँ दिमाग लगाएंगे तो अपने आप उत्तर निकल कर चला आएगा। तो सोचो इसमें आधा आप मान लो महिला होंगी, 10 करोड़ महिला होंगी और 10 करोड़ पुरुष होंगे, लेकिन आप लोगों को लिंगानुपात से पता चलता है कि पुरुष ज्यादा है महिला कम है, इसका मतलब 50% से थोड़ा सा ज्यादा पुरुष होंगे और 50% से थोड़ा सा कम महिला होंगे। तो इसमें 50% से कम कौन सा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कम 45 तो ज्यादा कम हो गया, ये तो होगा नहीं, 48 होगा। तो 48 से 1-2 पॉइंट लगभग 48% महिला हैं और लगभग 52% पुरुष हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में। तो विकल्प नंबर हमारा ए हो जाएगा, हम कितने आसानी से उत्तर को निकाल लिए। तो ऐसे आप भी निकालना सीखिएगा, रटना नहीं है, ऐसे देखिए लोग। छठवां में क्या कह रहा है, छठवें में इसमें साथियों कह रहा है, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। तो इसका मतलब ये कह रहा है साथियों, जो लिंगानुपात में गैप था, एक तरह से कह सकते हैं महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी कब देखने को मिली थी। तो साथियों इसमें जो महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली, ये जनगणना 1991 से 2001 के बीच में महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी मिली देखने को, जिससे जो जनसंख्या लिंग अनुपात था उसके विभेद को घटा है, यानी उसमें गैप जो था कम हुआ है, यानी महिलाओं की संख्या बढ़ी तो गैप कम हुआ। तो 1991 से 2001 के बीच महिलाओं की संख्या में तेजी हुई जिससे इसका गैप घटा हुआ है। विकल्प नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे चलें हम लोग, देखें सातवें में हमसे क्या पूछ रहा है, प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी। तो साथियों बहुत बढ़िया सवाल है, आपसे पूछ रहा है किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है उत्तर प्रदेश में। तो साथियों यही 1991 से 2001 में
क्या महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ी, क्या पुरुष की नहीं बढ़ी होगी, पुरुष की भी बढ़ी होगी लेकिन महिलाओं की संख्या में थोड़ा सा धीमा था, क्योंकि यहाँ पर आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई थी, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी दवा, तमाम चीजों का विकास हो चुका था, मृत्यु दर कम हो गई थी, लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ गई थी, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा दर्ज किया गया था जनसंख्या वृद्धि दर ये वाला दशक 1991 से 2001 के बीच। तो आगे चले हम लोग अगर देखते हैं आठवें वाले प्रश्न में, आठवें वाले में क्या कह रहा है, विकल्प नंबर आठवें वाले प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखी गई थी। तो प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कब देखने को मिला था किस, तो वही बात है साथियों, फिर वही वाला प्रश्न दे दिया है घुमाकर, यही वाला हो जाएगा सी वाला ही, सी वाला यानी 91 से 2001 के बीच सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखने को मिली थी उत्तर प्रदेश में। कि अगर आपसे इसका उल्टा पूछ ले कि आप ये बताइए जनसंख्या सबसे कम किस दशक में हुई थी, यानी किस दशक में जनसंख्या सबसे तेजी से घटी थी, तो साथियों याद रखिएगा 1951 से 61 के बीच जनसंख्या में भारी गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि इस वर्ष जो है अंग्रेज ही, हमारा भारत नया नया आजाद हुआ था, अंग्रेज सब कुछ लूट कर हमें कंगाल छोड़कर गए थे, खाद्यान्न संकट, अकाल और तमाम चीजों की बीमारियां, ये सब इशू रहा, तो इसमें जनसंख्या बहुत तेजी से घटा था। और बढ़ा किसमें सबसे तेजी से था, तो 91 से 1 में, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं हम लोग नौवे में क्या है साथियों हमारा, एक एक शब्दों पर ध्यान देंगे तो आप बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता है, यानी 2011 जनगणना के अनुसार आपको बताना है एसटी यानी मतलब जनजाति की जो है सर्वाधिक सांद्रता कहाँ है। सर्वाधिक सांद्रता का मतलब यहाँ जनसंख्या की बात कर रहा है, सांद्रता का मतलब यहाँ जनसंख्या है। तो एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है साथियों, ये आपको बताना है। तो विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा, सोनभद्र में, उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है जिसे उत्तर प्रदेश का पावर हाउस कहा जाता है, यह सोनभद्र से। एक और सवाल पूछा जाता है सोनभद्र यह चार राज्यों से घिरा हुआ है, एक तो बिहार हो गया, एक झारखंड हो गया, और छत्तीसगढ़ हो गया, और एमपी हो गया मध्य प्रदेश, ये सोनभद्र इन चारों राज्यों से सटा हुआ है। तो बहुत बढ़िया सवाल है ये, अगर आपसे ये पूछ रहा है मतलब एसटी की सर्वाधिक संख्या कहाँ है, वो सोनभद्र में है, अगर पूछ ले यही एसटी की सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, तब आप लोग क्या बताएंगे, तब आप बता देना बागपत, उत्तर प्रदेश का बागपत जिला, बहुत बढ़िया। आगे चलते हम लोग, सब ऐसे चीजों को याद करेंगे पढ़ेंगे तो हमारा क्लियर रहेगा कंसेप्ट। आगे देखें हम लोग दसवां में हमसे क्या पूछ रहा है साथियों, दसवां में हमसे सवाल कर रहा है कि थोड़ा सा सेट कर ले, थोड़ा बड़ा है, अब देखें अब सही है हमारा, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो गया है, छोटा सा ही है लेकिन लंबा हो गया है। 2011 के जनगणना के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का क्रम है साथियों। क्वेश्चन बहुत सरल है, सिर्फ लिखा ज्यादा है, इसमें कोई दम नहीं है। कैसे दम नहीं है देखें, कह रहा है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का क्रम सजाना है, किसमें सबसे ज्यादा है, तो यानी 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ये उसी का क्रम में बताना है। तो साथियों यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक जिला है, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा। तो यहाँ पर तो साथियों दसवां प्रश्न हमारा बहुत बेहतरीन प्रश्न, साथियों यहां पर हमारा दसवां प्रश्न
सिर्फ ढेर सारा लिखा है, इसमें कोई दम नहीं है। बहुत बेहतरीन सवाल है, कितना बेहतरीन सवाल है, यहाँ आप लोग कई सारा फैक्ट सीखेंगे। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में, यानी जहां पर नगर निगम है, में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम बताना है। तो सही क्रम बताना है जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं। तो साथियों, इसका सही क्रम है, सबसे ज्यादा आपको देखने को यहाँ मिलेगा लखनऊ, सबसे ज्यादा साथियों लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा। तो विकल्प नंबर यहाँ हमारा सी वाला उत्तर हो जाएगा, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, यही सबसे क्रम है। ये नगर निगम वाले हैं जिसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं, उसका क्रम यही है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हम लोग देखते हैं। सबसे ज्यादा लखनऊ में है, सबसे ज्यादा लखनऊ में है साथियों आबादी, और उसके बाद कानपुर, गाजियाबाद, आगरा में। आगे बढ़ जाएं हम लोग, 11वां में देख लेते हैं। 11 में आपसे पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व तो वाला जिला है। तो जनघनत्व को आप लोग जानते होंगे साथियों, जनघनत्व क्या है, जैसे 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा के क्षेत्र में यहाँ 10 लोग रह रहे हैं, और एक दूसरा क्षेत्र है वो 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा ये भी है, यहाँ पर 50 लोग रह रहे हैं। तो जनघनत्व 50 वाले का ज्यादा हुआ, यानी जहां पर एक इकाई क्षेत्र में रहने वालों की संख्या अधिक होती है, वहां जनघनत्व अधिक होता है, यानी उतने ही क्षेत्रफल में, मतलब क्षेत्रफल कम है, रहने वाले ज्यादा हैं। तो ऐसे समझ जाइएगा, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो सर्वाधिक सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो साथियों गाजियाबाद विकल्प नंबर ए हमारा हो जाएगा। गाजियाबाद आप लोग देखेंगे तो है क्षेत्रफल छोटा, लेकिन वहां रहने वाले बहुत हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से वो बहुत ज्यादा घना है। तो जनघनत्व तो सबसे ज्यादा गाजियाबाद में है। आगे देखें हम लोग, ये देखें 12वें में हमसे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात है। तो यानी 2011 की जनगणना अभी ये आया था, यानी लिंगानुपात पूछ रहा है ये, यही आपसे मैंने अभी बताया था ना, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 912 है, जो पहले 898 था, 898 था 2001 की जनगणना के अनुसार। फिर 2011 की जब जनगणना हुई, 2011 की जनगणना हुई तो उसमें 14 अंक बढ़ गया, 912 हो गया। 912 का मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 912 है। तो विकल्प नंबर बी हमारा यहाँ सेट बन रहा है। ये यूपी का है साथियों, यूपी का लिंगानुपात है। अगर आपको भारत का लिंगानुपात पूछे तो 943 बता देना, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है, 943 लिंगानुपात। तो लिंगानुपात में जो डाटा लिखा जाता है वो महिलाओं का लिखा जाता है। तो चले हम लोग, फिलहाल उत्तर प्रदेश का पूछा था तो बी हो जाएगा, भारत का पूछा रहता तो ये होता। आगे चल रहे हम लोग, बढ़ जाएं 13 में। 13 में साथियों हमसे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद है उस, यानी 2011 में आप उस जनपद का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा नगरीकरण हुआ है, बहुत ज्यादा वहां नगरीय आबादी है। तो साथियों जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है इतना बड़ा, और इसका जो है इतना बड़ा क्षेत्र नगरीकरण हो चुका है, यानी शहरीकरण हो चुका है, वहां ग्रामीण बहुत थोड़ा सा बचा है, तो ऐसा जिला है गाजियाबाद, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, सबसे ज्यादा नगरीकरण गाजियाबाद में है, ये हो जाएगा हमारा। तो आगे चले हम लोग, नगरीय आबादी यहां ध्यान देना, नगरीय आबादी पूछ रहा है, सबसे ज्यादा नगरीय आबादी कौन सा है हमारा। तो 13वां का हमारा बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया साथियों, आगे चलते हम लोग, अब देखते हैं हमारा, अगर यही नगरी न रहा होता, केवल पूछता सबसे ज्यादा आबादी वाला, तब तो प्रयागराज हो जाता, क्योंकि एक एक शब्द पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका गलत हो जाएगा सब। नगरी पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछ रहा है साथियों, अगला प्रश्न 14 वाला है। इसमें 14 में आपसे सवाल कर रहा है कि 14वां में आप उसको बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है। तो साथियों यहाँ पर दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, हमें मालूम है सबसे ज्यादा पहले नंबर पर हिंदू है, दूसरे नंबर पर मुस्लिम सबसे बड़ी आबादी है, ये दोनों तो दिया ही नहीं है,
ये दोनों हमें मालूम है लेकिन ये दोनों दिया ही नहीं है, दिया दूसरा है, तो हम कैसे उत्तर को निकालेंगे? हमसे तीसरा पूछ रहा है। तीसरा साथियों सिख है, सिख आबादी जो है सबसे, तीसरी सबसे बड़ी आबादी है उत्तर प्रदेश की, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा हमारा। बहुत बढ़िया, 14 का हमारा डी हो गया। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, क्या है हमारा अगला प्रश्न 15वें में। सॉरी, तो देखते हैं 15 वाले में हमसे जो क्वेश्चन कर रहा है तो ये क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम साक्षरता है, यानी उस जिले का नाम बताइए जहां पर सबसे अधिक साक्षरता है। तो साथियों आप लोग को मालूम होगा गौतम बुद्ध बहुत ज्यादा शिक्षित थे, बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, तो उन्हीं के नाम का एक जिला है आप लोग को मालूम होगा, गाजियाबाद। तो ओ सॉरी, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर साथियों सबसे ज्यादा साक्षर है। तो गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध, तो यहां पर गौतम बुद्ध नगर तो है नहीं, यही सबसे ज्यादा साक्षरता है उत्तर प्रदेश का, वो जिला है जहां पर सबसे अधिक साक्षरता है, ये नहीं दिया है। तो दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर कानपुर है साथियों, कानपुर नगर। तो दूसरा हम बता दें क्योंकि पहला नहीं दिया है, तो दूसरा को ही हम सबसे ज्यादा मानेंगे, जो दिया है हमें इसी में खोजना है ना, तो बाहर थोड़ी जाएंगे खोजने, तो सी हो जाएगा हमारा विकल्प। आगे चल रहे हम लोग 16 में, हम लोग देखते हैं क्या है साथियों 16वें में। 16वें में हमसे पूछ रहा है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो यही साथियों अभी मैंने यही सवाल बताया था, वहां गाजिया गौतम बुद्ध नगर नहीं था, तो अभी हम यहाँ वहां बताए थे कानपुर है, तो यहाँ हम बता रहे हैं आपसे जो 16वां का उत्तर होगा सी होगा। तो सर आप कहेंगे सर अभी तो आप कानपुर बताए थे, मेरे भाई कानपुर दूसरा सबसे साक्षर वाला जिला है, जब पहला न रहे तो दूसरा, जैसे आपके घर में आपके दादा न रहे तो आपके घर को रिप्रेजेंट आपके पापा करेंगे ना, तो वही हो जाएगा, जब दादा है तो दादा ही करेंगे, यहाँ पर दादा हो गया यानी गौतम बुद्ध नगर है, तो यही सबसे पहले होगा, और दूसरा नंबर पर ये हो जाएगा कानपुर हो जाएगा, और तीसरे नंबर पर भी आपसे अगर पूछ ले तो तीसरा नंबर ये कानपुर के बगल में ही एक औरैया है, सबसे ज्यादा तीसरा सबसे ज्यादा वो हो जाएगा औरैया, और चौथा अगर आपसे पूछ ले चौथा सबसे ज्यादा साक्षर तो वो इटावा है, इटावा, और पांचवा है साथियों गाजियाबाद। तो मैंने सभी को बता दिया, अच्छे से याद रखिएगा सबको। 17 वाले में देख लेते हैं साथियों, बहुत बढ़िया सवाल है, क्या है सवाल 17 वाले में हमसे पूछ रहा है। देखें ज्यादा लिखा है इस पर चिंता मत करिए, सिर्फ सोचिए प्रश्न क्या कह रहा है, हमने सीखा का यहां से यही। तो 2011 की जनगणना के अनुसार औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम, सबसे ज्यादा शिक्षित, फिर सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी सबसे ज्यादा साक्षर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यही है अवरोही क्रम। तो अभी मैंने आपको बताया कि गौतम बुद्ध नगर सबसे टॉप पर है, तो आप लोग देखते ही धाड़ से मारिए, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो दोनों में से ये होगा, ये तो होंगे ही नहीं। तो कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, यहां पर देखें इटावा दे दिया है, गाजियाबाद, यहाँ इटावा, तो इटावा पहले है, गाजियाबाद से पहले है, यानी गाजियाबाद से ज्यादा साक्षरता है इटावा में, तो अगर बी हो जाएगा यहाँ उत्तर, ए नहीं होगा, अगर बी वाला ऑप्शन न रहता तो हम ए वाला मार देते, यहाँ इटावा दे दिया है 4थे नंबर पर, हम इटावा ही मार देंगे, गाजियाबाद 5वें नंबर पर है। यही चीज मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था। तो हर एक सवाल से कई तरह, एक ही टाइप का सवाल, एक ही सवाल कई तरह से पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। 18 में साथियों देख रहे हैं, बहुत बढ़िया सवाल है, क्या कह रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षर वाले 4 जिलों का अवरोही क्रम, फिर से वही प्रश्न साथियों, उसी प्रश्न को यह फिर से दे दिया है, तो फिर वही आप बता दीजिए, सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, और फिर औरैया, इटावा, तो बी वाला वही प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न है, पिछले वाला ही रिपीट हो गया है। हम लोग 19 देखते हैं, 19 वाले में साथियों एक एक प्रश्नों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा साथियों, बहुत बढ़िया प्रश्न है, देखें देखने में तो ये बड़ा है लेकिन इसमें कोई दम नहीं है, देखे क्या कह रहा है ये 19 वाले में, कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो इसको पढ़ लेंगे, पढ़कर वही उत्तर दे देना। बहुत यहाँ थोड़ा सा आपका रीजनिंग भी काम करेगा, आप लोग को रीजनिंग आती होगी तो ये लगा ले जाएंगे बड़े आसानी से। तो कह रहा है कौन सा सही है उसी को पकड़ना है आपको, तो देखें कैसे आप पकड़ेंगे। तो कह रहा है पहला आप लोग पढ़ेंगे, एक दो तीन चार कथनों को पढ़कर आप उत्तर को निकाल लेना है, लेकिन आपको रीजनिंग आती होगी तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको उत्तर बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है, यह साथियों मैंने बताया सबसे अधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर वाला जिला है, और अगर सबसे कम पूछा है तो कम से सबसे कम श्रावस्ती है, तो ये हमारा सही है, यानी विकल्प में एक होना चाहिए, सही पूछा है ना, तो विकल्प में एक जिसमें नहीं होगा वो गलत हो जाएगा, तो इसमें एक नहीं है, डी वाले में ये गलत हो गया, और सी वाले में भी एक नहीं है, ये भी गलत हो गया, यानी सी डी तो पहले ही बाहर हो गया, ये उत्तर नहीं हो सकते, उत्तर हमारा या तो बी होगा या तो ए होगा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देवरिया है साथियों, गलत, सीधा सीधा गलत है ये, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हमारा जो गृह जनपद जौनपुर है वो जौनपुर है, उसके बाद आजमगढ़ है, तो यहाँ पर गलत देवरिया नहीं है, देवरिया गलत दे दिया, तो इसका मतलब दो जिसमें होगा वो गलत होगा, दो पहले में है तो ये गलत, यानी बी होगा। हमने देखो रीजनिंग के माध्यम से दो ही कथन को पढ़ा, हमने उत्तर निकाल लिया, उत्तर हमारा बी होगा। अब सी डी वाला आप पढ़िए ना पढ़िए कोई मतलब नहीं, आप भाग चलिए, आपका वही उत्तर होगा, लेकिन आप लोग बता दें न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है, सबसे ज्यादा जनघनत्व गाजियाबाद था, न्यूनतम ललितपुर है, और ये चौथा तो आपका गलत ही है। ये क्यों गलत है, कह रहा है नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर वाला कानपुर है, ये गलत है। आगे चले हम लोग बीसवां में देखते हैं क्या कह रहा है साथियों, थोड़ा सा समय अगर आप लोग देंगे तो आप लोग बहुत बेहतरीन चीजें सीख पाएंगे। 20 वाले में क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या कितनी है, फिर से वही बात साथियों, शिशु लिंगानुपात की कह रहा है, यहाँ पर बालक बालिका दे दिया, 1000 बालकों पर जो है बालिका शिशुओं की संख्या, यानी शिशु लिंगानुपात की बात कर रहा है आपसे, किसका, शिशु लिंगानुपात, तो यही मैंने अभी आपको बताया था साथियों, शिशु लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का 902 है, विकल्प नंबर हमारा बी हो जाएगा, अगर केवल लिंगानुपात पूछा होता तो 912 हो जाता हमारा, 912, अगर भारत का लिंगानुपात पूछा होता तो 943 हो जाता, इन सभी का ये जो डाटा दिए गए हैं 912, 943, 902, ये फीमेल की संख्या है, लिंगानुपात में फीमेल की संख्या लिखी जाती है, 1000 पुरुषों पर कितने फीमेल हैं। आगे देखें हम लोग 21 में, 21 में हमसे पूछ रहा है साथियों, 2001 से 2011 की जनगणना का अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही है, तो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है 2001 से लेकर 2011 में जो जनगणना हुई उसमें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है, तो साथियों ये जो दिया है ये तो ये गलत है, ये 17.79, ये क्या है, ये जितनी भारत की आबादी है उसका 17.69 यानी 17% तो यूपी में रहती है, ये तो ये दे दिया है गलत हो गया, लेकिन आपसे पूछा है कि वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच उत्तर प्रदेश की आबादी में कितना वृद्धि हुआ, तो साथियों वैसे वैसे हम लोग मोटा मोटा याद किए रहते हैं 20% बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा बजा दिया, 20.67, 20.46, 20.24, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए 20, 20.5 से कम और 20 से अधिक, तो इसका मतलब ये डी वाला हो जाएगा, 20.22% बढ़ोतरी हुई थी 2001 से 2011 के बीच में। आगे बढ़े हम लोग साथियों, बहुत बढ़िया, देखते हैं 22 वाले में क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है 2011 की जनगणना के 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम के जिलों को व्यवस्थित करिए सही से, तो साथियों चार जिलों के नाम दिया है, उन्हीं चार जिलों को आपको सेट करना है घटते क्रम में, तो घटते क्रम में इसका मतलब अवरोही क्रम बताना है, सबसे ज्यादा उससे कम फिर उससे कम फिर उससे कम, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या साथियों प्रयागराज की है,
आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पर विधानसभा की 12 सीटें हैं, तो यहाँ से भी दिमाग लगा सकते हैं, सबसे ज्यादा है इसलिए सबसे ज्यादा सीटें भी हैं, तो प्रयागराज पहले नंबर पर होना चाहिए क्योंकि घटते क्रम पूछा है सबसे अधिक, तो एक सबसे पहले होना चाहिए, तो एक सबसे पहले ए में है और बी में है, तो यहाँ पर दो दो चार है तो इसको काट दीजिए, सी डी तो नहीं हो सकता क्योंकि अब हमें क्लियर हो गया प्रयागराज में सबसे जनसंख्या मामले में सबसे बड़ी आबादी है। उसके बाद साथियों मुरादाबाद है, मुरादाबाद ये तीन हो जाएगा, यानी दूसरे नंबर पर तीन होना चाहिए, तो दूसरे नंबर पर तीन ए में है, तो ए ही हमारा उत्तर होगा, अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मिल गया। और जो है तीसरे नंबर पे गाजियाबाद, चौथे नंबर पे लखनऊ, तो ये हो जाएगा आपका ए उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, हर एक एग्जाम के लिए रामबाण है, आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सबके लिए ये रामबाण है। तो आगे देखें क्या कह रहा है आपसे साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है, तो क्या उच्चतम है, किस जिले की साक्षरता उच्चतम है, तो आपको फिर वही बात साथियों, गौतम बुद्ध नगर ही साक्षरता सबसे उच्चतम है, यही है, गौतम बुद्ध नगर पहले नंबर पर होगा, कानपुर नगर दूसरे नंबर पर, औरैया तीसरे नंबर पर, और इटावा चौथे नंबर पर, इटावा चौथे नंबर पर, और ये गाजियाबाद पांचवें नंबर पर, फिर वही बात दे दिया है, अलग अलग एक ही सवाल को कई तरीके से पूछा है। 24 में हम लोग देख लेते हैं क्या है, 24 वाले में साथियों देखें बहुत झकास प्रश्न है, देखें 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो यहां पर जो गलत है उसे पकड़ना है आपको, तो यहां पर देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करती है, यस साथियों ये बात सही है, जो यहाँ इसकी जो है मतलब पूरे भारत की जो जनसंख्या है वो कहीं कहीं मतलब 16.5-17%, कहीं कहीं 17 लिख दिया जाता है, कहीं कहीं 16, तो 16.5% निवास करता है यूपी में, तो यह सही बात है, देश की जनसंख्या का 16.5-17% यूपी में निवास करते, ये बात तो सही है, लेकिन हमें गलत पूछा है, अभी हमको गलत नहीं मिला है। दूसरा पढ़ते हैं, यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, तो बच्चे पाए जाते हैं नहीं पाए जाते हैं ये हमें नहीं याद है, आगे देखते हैं, तीसरा पढ़ के देखते हैं, हो सकता है गलत हमको मिल जाए, इसकी दशकीय वृद्धि 17.7% है साथियों, गलत है, 17.7% जो दशकीय वृद्धि है वो भारत की थी साथियों, ये उत्तर प्रदेश की पूछ रहा है, तो ये गलत हो गया, उत्तर प्रदेश की जो दशकीय वृद्धि है अभी मैंने बताया 20.22% थी, तो यही गलत है, तो इसका मतलब ये गलत है, तो यही उत्तर होगा हमारा, पूछ रहा है कौन सा गलत, तो यही गलत वाले को बता देना, यही हमारा उत्तर है, यही उत्तर है, यही गलत था, और इसका लिंगानुपात 912 है, मैंने पहले बता चुका है। आगे देखें हम लोग 25 में हमारा क्या पूछ रहा है साथियों, बहुत जवाब लाजवाब प्रश्न, देखें 2011 जनगणना के अनुसार कूट सही चुनिए, तो साथियों यहाँ पर देखने में तो ज्यादा लिखा है लेकिन सवाल में कोई दम नहीं है, आपको दिखाते हैं क्यों दम नहीं है, पहला आप जब पढ़ेंगे ये चार कथन दे दिया है आपको, ये चार कथन, तो इन्हीं कथनों को पढ़कर उत्तर देना है, सही उत्तर देना है, तो देखें पहला जब पढ़ेंगे क्षेत्रफल में यह देश का पांचवा सबसे बड़ा राज्य नहीं साथियों, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में चौथा सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है चौथा, पांचवा नहीं है, तो ये गलत हो गया, तो यानी हमसे सही उत्तर पूछा है, अब हमें ये थोड़ा सा रीजनिंग लगाना है कि एक नहीं होना चाहिए विकल्प में, एक यहाँ है इसको काट दीजिए, यानी अब एक तो क्लियर होगा, अब इन्हीं तीनों में से कोई उत्तर होगा हमारा। अब दूसरा पढ़ते हैं, देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है, बिल्कुल सही, ये अभी आप लोगों ने देखा था जो भारत की आबादी है उसका 16.5% उत्तर प्रदेश में रहती है, तो ये सही है दूसरा, यानी वो अब हमें क्या रीजनिंग लगाना है, ये दो विकल्प में रहना चाहिए, तो किसमें नहीं होगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है डी वाले में, तो ये उत्तर नहीं होगा, अब हमें क्लियर हो गया कि बी और सी में से ही कोई उत्तर है। तो तीसरे अब हम लोग पढ़ते हैं, इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है साथियों, गलत, सीधा सीधा आपके आंख में धूल झोंक रहा है, मैंने अभी बताया उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है,
जबकि भारत का लिंगानुपात 943 है, यानी उत्तर प्रदेश का तो कम हुआ ना, तो ज्यादा कहाँ से हो गया, तो ये भी गलत हो गया, यानी जिसमें तीसरा बैठा है वो भी गलत हो गया, ये तीसरा बैठा है ये भी गलत हो गया इसमें, तो यही आपका एक बच रहा है सी वाला, सी ही उत्तर होगा, यानी 2 और 4 सही है, 2 मैंने पहले बताया सही है, इसकी साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है, यस सही बात है, क्योंकि जो है भारत की जो साक्षरता दर है साथियों, भारत की साक्षरता दर अधिक है, कितना है वो 82% है भारत की साक्षरता दर, और उत्तर प्रदेश का 67 है, ओ 77 है, तो याद रखिएगा 82 है भारत की साक्षरता दर और उत्तर प्रदेश का 67 है, लगभग में है ये, तो ये सही है, सी वाला हमारा उत्तर होगा, बहुत बढ़िया। 26 में देखते हैं हम लोग क्या है 26वें वाले में, एक एक चीज क्लियर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है, तो साथियों जब आपसे पूछ रहा था कि सबसे अधिक साक्षरता कहाँ है, तो आप लोग धड़ाक से बता रहे थे गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, लेकिन आपसे यहाँ महिला साक्षरता की बात कर दिया है, अब आपको थोड़ा सा फंसा दिया है, सबसे कम महिला साक्षरता, तो साथियों जो सबसे कम महिला साक्षरता है, मैंने पहले बताया था श्रावस्ती में है, इसको याद करने का तरीका एक होता है किसी का श्राप लग गया होगा, इसीलिए यहाँ साक्षरता नहीं बढ़ रही है, श्रावस्ती सबसे कम साक्षरता जो है श्रावस्ती में है, लेकिन महिला साक्षरता पूछा है, तो महिला साक्षरता का भी क्रम आप लोग देखेंगे श्रावस्ती हो जाएगा पहले नंबर पर, यहाँ श्रावस्ती तो है नहीं, अब हम क्या करेंगे, श्रावस्ती के बाद आता है बलरामपुर, बलरामपुर आता है वो भी नहीं है, बलरामपुर के बाद आता है साथियों कानपुर, कानपुर भी इसमें नहीं है, तो इसमें अब आएगा जो है साथियों औरैया, और साथ ही औरैया नहीं बदायूं, फिर रामपुर, तो राम बदायूं भी नहीं है, रामपुर हो यही, यानी एक नहीं रहेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो प्रश्न में साथियों वही हमारा सबसे उच्च हो जाएगा, यानी सबसे कम महिला साक्षरता, तो मैंने पहले बताया श्रावस्ती में, श्रावस्ती नहीं है तो जो उससे कम है वहां जाइए, वो भी नहीं है तो उससे कम जहां है वहां जाइए, ऐसे जाते जाते पाएंगे, अगर आप लोग 5 सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला को पढ़े होंगे तो आपको मिल जाएगा रामपुर है, आजम खान वाला जिला है ये, आजम खान यहीं से सांसद विधायक हुआ करते हैं, तो ये देखें 27 वाले में हमसे पूछ रहा है, 27 वाले में क्या पूछ रहा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मैंने अभी बताया, केवल जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है, तो प्रयागराज हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा, अगर पूछा होता कि नगरीकरण के आबादी के हिसाब से, शहरीकरण के आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा, तो गाजियाबाद हो जाता। 28 में क्या है साथियों, 28वां में देखें हमसे क्या पूछ रहे हैं, 28 में कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला साथियों वही बात फिर है गौतम बुद्ध नगर, विकल्प नंबर ए हो जाएगा, कि एक ही सवाल को कई तरह से पूछा है। आगे चले हम लोग, 29, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाख ही नगरों की संख्या है, बहुत लाजवाब प्रश्न, ये कुछ लोगों के लिए नया होगा सर, ये 10 लाख ही नगर क्या है, ऐसे नगर निगम जहां पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या रहती है उनसे 10 लाख ही नगर बोला जाता है, तो 10 लाख ही नगर अपने उत्तर प्रदेश में साथियों कुल 7 हैं, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो जो बड़े बड़े नगर हैं वही हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, प्रयागराज बहुत बड़ा है, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, ये 4 ये हो गए, आगरा हो गया और गाजियाबाद हो गया और मेरठ हो गया, तो साथियों यही 4 जो है, यही 7 जो है हमारे 10 लाख ही नगरों में आते हैं, तो याद कर लीजिएगा इनको, तो 7 हो जाएगा विकल्प नंबर बी। 30 में हम लोग देखते हैं क्या है, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, तो मतलब सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, यानी उस जनसंख्या को मतलब क्या कह रहा है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है साथियों, यहाँ पर चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर, जो क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे सवाल कर रहा है साथियों, यह महोबा हो जाएगा, यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या यही है,
दिए हुए ऑप्शन में। आगे देखें 31 में, 31 में साथियों हमसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या में कार्यशील का प्रतिशत है। कार्यशील का मतलब ऐसा जनसंख्या जो 14 साल से ऊपर हो, 59 साल से कम हो, काम करने के लिए तैयार हो, शारीरिक मानसिक रूप से सक्षम हो और वह काम खोज रही हो, काम मिला हो, काम कर रही हो, काम के बदले दाम पा रही हो, तो उसे कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। सीधा सीधा ये मतलब जो 14 से 59 साल की आयु में वो जनसंख्या जो कोई ना कोई काम कर रहे हैं, काम के बदले दाम पा रहे हैं, तो उनका जो प्रतिशत है यहाँ पर साथियों लगभग 33% है, 32.7%। ये कार्यशील जनसंख्या है, तो यही है जो अपने कामों में लीन है। आगे देखें हम लोग 32 में, देखें 32 में भी सवाल बहुत गजब का है, तो इसको अवरोही क्रम में हमको सजाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, रीजनिंग लगाना है, आपको कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे, आप भयभीत आपको करना होता है ना उसे एग्जामिनर को, तो आपको भयभीत करने के लिए कुछ ऐसे प्रश्न देगा, तो आपको भयभीत नहीं होना है। देखें उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में सेट कर दीजिए। तो अभी मैंने बताया जनसंख्या में सबसे ज्यादा कौन सा है, कुछ नगरों के नाम दिए गए हैं, कुछ नगर के नाम दिए गए हैं, याद रखिएगा नगर के नाम है, तो उन्हीं नगरों में से उनको अवरोही क्रम में सेट करना है, यानी सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो उसी में सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे साथियों, नगरों में ये जो जिले दिए गए हैं सब के सब ये जिले जो है ये 10 लाख ही जनसंख्या में आते हैं, तो ये हम देखें क्या है हमारा। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर आबादी किसकी है साथियों, सबसे ज्यादा लखनऊ की है यहाँ पर, तो लखनऊ की है, तो लखनऊ पहले नंबर पर होना चाहिए, यानी चौथा पहले नंबर पर, सॉरी लखनऊ नहीं नगर है ना, तो ये यहाँ पर कानपुर हो जाएगा, तो कानपुर हो जाएगा, तो कानपुर हो जाएगा पहले नंबर पर, ये यानी दूसरा पहले नंबर पर हो जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा लखनऊ, कानपुर, लखनऊ, कानपुर, लखनऊ चौथे नंबर पर, 2, 4, फिर 1 गाजियाबाद, अंत में आगरा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा, यही उत्तर होगा जनसंख्या के घटते क्रम। 33 में देखें क्या है, 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है। तो भारत के किस समुदाय में लिंगानुपात सबसे कम है साथियों, उसी को हमको बताना है कि किस भारत के जो है, ये भारत के सापेक्ष पूछा है, यूपी से संबंधित नहीं, तो भारत में मतलब किस धर्म में लिंगानुपात सबसे कम है साथियों, उसी के हमको बताना है साथियों। बहुत अच्छा सवाल है, इसका उत्तर हमारा सिख हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी आबादी भी है ये सिख। आगे चलें, देखें क्वेश्चन नंबर जो 34 है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है, आप लोगों को घूमना नहीं है, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों के नाम दिया है और किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कि जनसंख्या का प्रतिशत दिया है, याद रखिए जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से कम है, तो यानी प्रतिशत के मामले में सबसे कम है, उसके कुल आबादी के प्रतिशत के हिसाब से एसटी की आबादी सबसे कम किस प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में है, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में एसटी की आबादी बहुत है, लेकिन उत्तर प्रदेश की आबादी इतनी बड़ी है तो उसकी बड़ी आबादी से एसटी का कंपेयर करेंगे तो उसका बहुत कम प्रतिशत हो जाएगा, तो इसीलिए उत्तर प्रदेश ही होगा। अगर जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है, तो किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है साथियों, तो नागालैंड में, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। 36 में क्या है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करता है। उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी जनजातियां हैं जो बहुविवाह, एक से अधिक विवाह करती हैं, तो साथियों जौनसारी, विकल्प नंबर ए। आगे देखें हम लोग 36 में, जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजातियों की
संख्या के प्रतिशत के मामले में न्यूनतम है, तो वही उत्तर प्रदेश, विकल्प नंबर ए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी है और वहां एसटी की आबादी ठीक ठाक है, लेकिन दोनों कंपेयर करने पर वो एसटी बहुत कम हो जाती है। आगे देखें, 37 में साथियों आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित पहाड़ी जनजातियों का पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। तो पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व क्रम जानते हैं आप लोग साथियों, गारो खांसी जयंतिया, सबसे पश्चिम में गारो है, फिर गारो खांसी जयंतिया, यही उत्तर होगा हमारा सी वाला। बहुत बढ़िया, तो साथियों यहाँ पर कुल 37 क्वेश्चन था जो जनसंख्या, नगरीकरण और जो जनगणना से संबंधित सवाल था 2011 पर आधारित, तो उसको हमने बहुत ही अच्छे से देख लिया है। अब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।